जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यभंज YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग सत्यभंज YouTube चैनल में प्रकाशित होने वाले मालिका के बारे में कुछ कुछ वीडियोस को हिंदी एंड इंग्लिश में समराइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मालिका के अनुसार हम लोगों ने 4 पॉइंट उठाया हुआ है। पहला पॉइंट है संक्रांति और अमावस्या, ये एक ही तिथि में पड़ने वाली है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये लिया हुआ है 13 दिन का पक्ष पड़ने वाला है। तीसरा पॉइंट ये लिया हुआ है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी सेम पक्ष एक ही पक्ष में पड़ने वाला है। और लास्ट जो चौथा पॉइंट हम लोग लिए हुए हैं वो है मीन शनि योग के बारे में। तो आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 30 साल से मालिका के ऊपर रिसर्च करने वाले श्री पुलिन बिहारी पंडा जी से। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहला पॉइंट के ऊपर हम लोग अगर बात करें जो है 13 दिन का पक्ष पड़ना। नॉर्मली क्या होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो पक्ष होता है 15 दिन का होता है। कभी कभी मून के मूवमेंट के हिसाब से, चंद्र के मूवमेंट के हिसाब से ये 15 से घट के 14 होता है, मगर 13 कभी नहीं होता। 13 दिन का पक्ष कभी नहीं होता, और अगर 13 दिन का पक्ष होता है उसे बहुत अशुभ माना जाता है। जबकि मालिका बता रहा है कि आगे वाले समय में ऐसा 13 दिन का पक्ष बहुत सारे पड़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है संक्रांति और अमावस्या, ये दोनों कभी भी सेम तिथि में नहीं पड़ते जनरली, और अगर सेम तिथि सेम डेट में अगर पड़ते हैं, सेम डे में अगर पड़ते हैं, उसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, जो कि 2023 में 2 बार ऑलरेडी हो चुका है और 2028 में ये अमावस्या और संक्रांति दोनों एक ही तिथि में 3 बार पड़ने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के तरफ, जो पॉइंट है अमावस्या और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ऊपर। ग्रहण, ग्रहण का मतलब ऐसे ही नकारात्मकता को शो करता है, और जनरली चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कभी भी एक पक्ष में नहीं पड़ते, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, और अगर ये एक ही पक्ष में पड़ जाता है तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा हो सकता है, बट मालिका बता रहा है कि आने वाले समय में ये बार बार होने लगेगा। अगर हम लोग देखें तो मालिका बता रहा है 2024-2025 में ये बार बार होने लगेगा। तो देखते हैं इसके जो आने वाले डेट है, हमारे गवेशक श्री पुलिन बिहारी पंडा जी उनके अनुसार और उनके हिसाब से भी आप गूगल कैलेंडर भी आप रेफरेंस में ले सकते हो, जिसके वजह से आपको ये डेट का कंफर्मेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 24 मार्च 2024 को होने वाला है पार्शियल चंद्र ग्रहण, और उसके बाद ही 8 अप्रैल 2024 को पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसके बीच में आप गैप देख लीजिए, एक ही पक्ष के अंदर आ रहा है। उसके बाद देखो 18 सितंबर 2024 को पार्शियल चंद्र ग्रहण हो रहा है। सिमिलरली 2 अक्टूबर 2024 को बलय सूर्य ग्रहण हो रहा है। सिमिलरली फिर 17 अक्टूबर 2024 को छाया चंद्र ग्रहण हो रहा है। उसके बाद आते हैं 2025 के तरफ, 14 मार्च 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है। सिमिलरली 29 मार्च 2025 को पार्शियल सूर्य ग्रहण हो रहा है। फिर आते हैं सितंबर के पास, 7 सितंबर 2025, 7 सितंबर 2025 को पूर्ण सूर्य ग्रहण और 21 सितंबर 2025 को पार्शियल चंद्र सूर्य ग्रहण। तो इससे पता चल रहा है कैसे 2024-2025 में बार बार ग्रहण पड़ रहा है, और वो भी
एक ही पक्ष के अंदर 15 दिन के अंदर ही ग्रहण रिपीट होने लग जा रहा है। श्री पंडा जी, श्री पुलिन बिहारी पंडा जी के अनुसार वर्ल्ड वार 2024 तक अपना स्पीड पकड़ लेगा और 2025 पर भारत के ऊपर अटैक होगा। यहाँ पे और एक बात आपके जानकारी के लिए बता दिया जाता है, 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर रमजान के समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो ये रमजान मनाने वाले कौम के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। अब मालिका में जैसा लिखा हुआ है, 13 मुस्लिम देश पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये 2025 का ही टाइम हो सकता है। जैसे हमारे पुलिन बिहारी पंडा जी बता रहे हैं 2025 तक इंडिया के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये जो पीरियड है ये इंडिया और यूरोप के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला है और ये सब खत्म होने में टाइम लगेगा लगभग 2028 तक। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, मीन शनि योग। नॉर्मली क्या होता है, राशि के हिसाब से ग्रहों का मूवमेंट और हर ग्रह में एक एक राशि का मूवमेंट ऐसा होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि ग्रह मीन राशि में एंट्री करेंगे। और ये जो पिछला मीन शनि योग पड़ा हुआ था जिस समय शनि ग्रह मीन राशि में एंटर किए हुए थे, इसका ड्यूरेशन लगभग 30 साल का होता है। इससे पिछला वाला मीन शनि योग पड़ा हुआ था 1995 से 1998 तक, इसका मतलब 1995 से 1998 तक। उस समय पुरी के जो गजपति राजा हैं उनका 32 से 35 अंक का समय चल रहा था। अब देखिए उस समय क्या हुआ था, उस समय कारगिल वार हुआ था, उसके बारे में तो सबको ही पता है। और जैसे कि ये एक मीन शनि से दूसरे मीन शनि योग तक का समय 30 साल का अवधि होता है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट मीन शनि योग हमारा आ जा रहा है 2025 में। और वो डेट भी बता दिया जा रहा है, श्री पुलिन बिहारी पंडा जी वो डेट भी बता रहे हैं, वो डेट होगा 29 मार्च 2025। उस समय रमजान भी चल रहा होगा, रमजान भी खत्म नहीं हुआ होगा। 31 मार्च 2025 को रमजान खत्म हो रहा है और 29 मार्च 2025 से मीन शनि योग का शुरुआत हो रहा है। उस दिन क्या क्या होने वाले हैं, उस दिन शनिवार होगा, अमावस्या होगा, पार्शियल सूर्य ग्रहण भी होगा और पंचकूट योग भी होगा। इन सारों के साथ मीन शनि योग का शुरुआत होगा पृथ्वी पर, धरती पर, जो कि बहुत ही नकारात्मकता को शो करता है। और मालिका के अनुसार अगर देखा जाए, हर एक पॉइंट जो जो मालिका में लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट सही होते जा रहा है ग्रेजुअली, डे बाई डे। तो आइए अब भगवान के बारे में थोड़ा सोचें, हरि नाम लें। जय श्री हरि, जय श्री जगन्नाथ, जय पंचशती।